अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मोहम्मद रिजवान पिजन्स। तो आज जो है वो बच्चे को खिलाने का तरीका बताता हूँ। ये देखिए आप, बच्चा अभी इसको मैं 2-3 दिनों से फीड करा रहा हूँ, जो ये है बहुत ज़्यादा मेरे साथ अटैच हो गया। और ये आप एक ऐसे करें, आप एक बोतल ले लें, अगर किसी कबूतर का बच्चा ज़ाया हो, उसके माँ बाप ज़ाया हो जाए ना, तो अगर उसको खिला ना रहे हो तो आप ऐसे खिला सकते हैं। एक बोतल ले लें, ऐसी ऐसी बोतल ले लें, उसके अंदर बाजरा डाल लें। ये देखें मैंने इसके अंदर बाजरा डाला हुआ है ऑलरेडी। ये देखें, अब इसको जो है ऊपर से कोई छापर ले के ना, इसको छापर ले के, तो एक ऐसी बोतल ले लेनी आपने, उसके ऊपर एक छापर ले लेना, ऐसे छापर ऐसे करके इसके ऊपर एक सुराख कर लेना। यहाँ पे सुराख, किसी भी चीज़ से सुराख कर लेना आपने, और कबूतर के बच्चे को आप ये करते जाएंगे, वो खुद ही खाना शुरू हो जाएगा। अभी देखना, अभी ये खुद ही खाएगा ऐसे इसमें। देखें ऐसे बाजरे के खाता रहेगा। अभी देखना, अभी ये जैसे मैं उसके मुंह से निकालूंगा ना ये बोतल, ये देखें, तो ये ऐसे खाएगा। आपने इसके पोर्ट पे हाथ लगा के चेक करते रहना कि इसके अंदर पोर्ट के इसके बाजरा है या नहीं है। तो अभी ये बिल्कुल भूखा है, तो अब जैसे ही इसका पोर्ट फुल हो जाएगा, यहाँ पे हाथ लगा के आपने चेक करना है, फिर इसको थोड़ा सा पानी पिला देना है ताकि ये वो हो जाए, बढ़ जाए ये। तो इसको मैं 2-3 दिनों से खिला रहा हूँ। इसका जो दूसरा है वो सही है, उसको सही कबूतर पाल रहे हैं, इसको सही नहीं पाल रहे थे, तो मैंने इसको ऐसे इस तरीके से खिला रहा हूँ। ये बिल्कुल सही खा रहा है, ये देखें अभी आप खुद ही खाता है। आपने बोतल ऐसे उल्टी कर देनी है, इसके मुंह में ये खाता रहेगा खुद ही। तो ऐसे आप इनको खिला सकते हैं। जब इसका पोर्ट फुल हो जाएगा, तो जब इसका पोर्ट फुल हो जाएगा ना, आपने हाथ लगा के देखना है, फिर उसके बाद इसको बस करा देना। अभी इसके लिए काफ़ी है इतना, अभी इसको पानी पिला देंगे थोड़ी देर बाद। और तो बस यही है, तो आप ऐसे इसको खिला सकते हैं। और बकाया कबूतर आज वो खुले हैं, तो ये जो इसका भाई है ना, वो बहुत बड़ा है, उसके ऊपर 5 शर भी आ गए हैं, और ये छोटा रह गया, इसलिए मैं इसको खुद ही फीडिंग करा लूँ ताकि ये उसके वो आ जाए, उसके बराबर हो जाए। मैं आपको इसका भाई भी बताता हूँ और वो भी बताता हूँ कबूतर की, इसका भाई भी बताता हूँ। तो इसका भाई वो सामने बैठा हुआ है, ठहरे एक मिनट मैं ये हटाता हूँ आगे से, तो फिर आपको बताता हूँ। इसका भाई वो सामने पेटी में बैठा हुआ है, देखो उसके ऊपर पार भी आ गए हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी पार भी नहीं आए, और ये भी बहुत छोटा रह गया है, क्योंकि माँ बाप उसको ही खिलाते रहते हैं, इसको खिलाती नहीं है, तो इसलिए फिर अभी इसको खिलाना मैंने शुरू किया है। इंशाल्लाह सेट हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा उसके मुकाबले जितना आ जाएगा। और बकाया ये एक मादी ने अंडे दिए हुए हैं, ये नीचे ज़मीन पर दे दिए मैंने इसके लिए पेटी, पहले इसने इधर दिए थे, अब उसने ज़मीन पर दे दिया, तो मैंने घास वास रख दिया बैठ के ऊपर। अगर अंडों की जगह तब्दील करेंगे तो कबूतर कभी भी नहीं बैठेगा अंडों के ऊपर। बकाया ये सेटअप है ये कबूतरों का, आधे बाहर निकाले हैं आधे अंदर ही है। और उस इस खुटी में भी एक कबूतर ने एक जोड़े अंडे डाले हुए दिए हुए, ये सामने जो पेटी पड़ी है इसमें भी एक जोड़े अंडे दिए हैं, अब उधर अंदर है वो। तो यही है आज, तो मैंने कहा एक वीडियो इस पर बना देता हूँ। और बकाया कबूतर के भाई नहा रहे हैं आज, ये देखें पानी डला हुआ है, और ये मिट्टी भी खा रहे हैं। ये बच्चे भी बाहर आना शुरू हो गए हैं, ये वाला बच्चा, ये भाई भी आने लग पड़ा है, सेट हो गया। ये भी एक और भी था काला सा बच्चा, वो पता नहीं किधर गया, कॉल भी था काला बच्चा, वो किधर गया, वो शायद अंदर चला गया। और ये कबूतर भी बाहर आने की कहानी है, तो बच्चे को भी अपनी जगह पर अभी छोड़ते हैं। ये बच्चा, ये आप उसको देखें, और उसको देखें कितना वो बड़ा है, और ये छोटा सा रह गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें।
अल्लाह हाफिज़।